हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क, एक पाथ ऑफ सक्सेस। तो जयपुर मेट्रो में जो वैकेंसी निकली थी उसकी जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया है उसमें वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, जस्ट डबल वैकेंसी कर दी गई है, पहले थी उससे जस्ट डबल लगभग, ऐसे मानिए आप। तो इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा के अब 13 मार्च कर दिए। तो इसमें कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें बढ़ाई गई है, इंक्रीज़ की गई है, वो सब मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन, एक रिवाइज नोटिफिकेशन आया है उसकी ओर लेके चलता हूँ, उसमें हम बात करेंगे। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं JMRC का जो नोटिफिकेशन है, अभी रिवाइज नोटिफिकेशन आया है, इसमें टोटल पोस्ट अब हो गई 60-70 का, ये इंक्रीज कर दी गई। कौन से डिपार्टमेंट से कितनी की गई, क्योंकि पहले आपको पता हो तो जनरल पोस्ट नहीं थी बिल्कुल भी, तो आप बढ़ा के देखो जनरल की पोस्ट कितनी कर दी गई है, 6 पोस्ट कर दी गई। आए बात करते हैं कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें बढ़ाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेशन कंट्रोलर की, ठीक है, या ट्रेन ऑपरेटर की। इसमें टोटल पोस्ट 8 कर दी है, ठीक है। और इसमें आप कैटेगरी वाइज आप देख लें, मैं वेरीफिकेशन नॉर्मली बताऊंगा आपको, बाकी आप सब देख लेना। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल था उसमें 6 थी, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 कर दिए, जूनियर इंजीनियर सिविल में 9 कर दिए, और CRA में कितने कर दी इन्होंने, 10 कर दी। और मेंटेनर जो इलेक्ट्रिशियन है उसमें 10, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंटेनर है उसमें 12। इनमें सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है इन दोनों में। मेंटेनर फिटर की 2, मेंटेनर रेफ्रिजरेटर और AC की 3 सीटें। तो टोटल सीटों की बात करूँ तो मैं 67 हो गई। अगर बात करते हैं जो ओपन जनरल है उनमें 10 हो गई, ठीक है, 10 हो गई। अब हाँ, ये सीटें नहीं थी तो ये 10 सीटें लगभग, काफ़ी सीटें बढ़ाई है, 20-30 सीटों की समथिंग इसमें इंक्रीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC में जो 8 हो गई। अब बात करते हैं ST में 6 हो गई। बात करते हैं OBC में 18 हो गई, पहले OBC में भी काफ़ी कम सीटें थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं EWS से देखो सबसे ज़्यादा 16 सीटें हो गई, ठीक है। EWS से भी इन्होंने हर कैटेगरी में सीटें दे दी है, ठीक है। MBC की बात करूँ तो 8 है। तो इस तरीके से इसी कारण कोर्ट में चला गया था मेट्रो, तो उस कारण अब इसको सेंटर से अप्रूवल मिल गई है। तो अब ये वैकेंसी लास्ट डेट है आपकी 13 मार्च है इसकी, ठीक है। इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि 3 बार इसकी डेट इंक्रीज कर दी गई है, अपनी पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है। अब इसमें और कुछ जो भी आपको देखना है वो सब उसमें देखना। इसमें जो मेंटेनर वाली, रेफ्रिजरेटर, AC वाली, ये न्यू पोस्ट आई है, तो इसमें इन्होंने बता दिया कितना क्या मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते 23,299। और जो पुराना नोटिफिकेशन सब कुछ वो उसी के रिगार्डिंग होगा, सिलेबस सब कुछ वही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर वाली नई पोस्ट आई है, इस कारण इसका पूरा डिटेल दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इसके रिगार्डिंग, JMRC के रिगार्डिंग। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।